समाज की समस्या को देखकर, पाप, भ्रष्टाचार, व्याभिचार देखकर हमारे मन को बहुत दुख पहुंचा है। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम कुछ समय के लिए राजपाट त्याग कर स्वयं विजयनगर की समस्या का पता लगाएंगे। आप सब लोग विचलित ना हो आप सब लोग। जब तक हम वापस नहीं लौटते तब तक के लिए हम एक कार्यवाहक महाराज नियुक्त कर जा रहे हैं। नहीं नहीं महाराज, हम लोग आपको महाराज का पद त्यागने नहीं देंगे। हाँ नहीं देंगे, नहीं देंगे, हम आपको आपका पद त्यागने नहीं देंगे, नहीं देंगे महाराज। जी महाराज, हम आपको राजा का पद नहीं त्यागने देंगे। विजयनगर का बच्चा बच्चा यही चाहता था, यही चाहता है और यही चाहेगा कि आप ही हमारे महाराज हैं। देखिए देखिए, हम निर्णय ले चुके हैं और कार्यवाहक महाराज भी चुन चुके हैं। किंतु महाराज, विजयनगर की प्रजा को नया महाराज नहीं चाहिए। हाँ, नहीं चाहिए, नहीं चाहिए हमें नया महाराज। कहीं ये पंडित रामकृष्ण हमारी योजना को ध्वस्त तो नहीं कर देगा। महारानी, हमें ऐसा लग रहा है कि कहीं हमारे राज्य में विद्रोह न छिड़ जाए। क्यों ना हम ऐसा करें कि कोई नया राजा नियुक्ति न करे। महाराज, पुर्तगालियों से आपको प्राणों का संकट है और वो तब तक नहीं हटेगा जब तक आप राजा रहेंगे। और महाराज, उनकी शत्रुता आपसे नहीं, आपके इस पद से है। और जब कोई राजा ही नहीं रहेगा तो आप ही तो राजा कहलाएंगे ना। आपका कथन उचित है। हाँ बिल्कुल ठीक कह रही है महारानी। महाराज, राजगद्दी में कोई राजा ही नहीं रहेगा तो पुर्तगाली तो दूर की बात है, आसपास के सभी राज्य विजयनगर पर हमला कर देंगे। वो अपना आधिपत्य स्थापित कर देंगे और नया महाराज घोषित कर देंगे। देखिए, हमने निर्णय ले लिया है, जब तक हम वापस नहीं लौटते तब तक के लिए कार्यवाहक महाराज होंगे विराट व्यक्तित्व के धनी, अनन्य राज्यभक्त, बलशाली एवं कुशल प्रशासक महामाते जयकारा जी। महाराज कैकाला की जय। महाराज कैकाला की जय। शांत नकुश, सम्मान मांगने से नहीं मिलता अपितु अर्जित करना पड़ता है। अब ये क्या नई चाल चलने वाला है महाराज? पंडित रामकृष्ण जी, अब हम महाराज नहीं है, महाराज महामाते जी है। और हम आशा करते हैं कि आप हमारे इस निर्णय का मान रखेंगे और अब होगा जयकाला जी का राज्याभिषेक। महामाते जी आइए। हम इस जयकाला का राज्याभिषेक नहीं करेंगे। गुरुजी, आपको महामाते जी से डर नहीं लगता? नहीं लगता। लगता है गुरुजी के दिन पूरे हो गए।
ने जो विश्वास हम पर दिखाया है, हम पूरा प्रयास करेंगे कि उस पर खरे उतरे। और अब चूंकि हमने विजयनगर की राजगद्दी का भार संभाल लिया है, तो हम राजा बनने के पश्चात अपनी पहली घोषणा करना चाहेंगे। लगता है अब ये बोलेगा कि कथाचार्य राजगुरु नहीं है। इस सब आपके कारण हुआ पंडित रामकृष्ण। नहीं गुरुवर, ये अवश्य कोई ऐसी घोषणा करेगा जो प्रजा के हित में कदापि नहीं होगी। देखिए, राजा बनने के पश्चात हमारी सर्वप्रथम घोषणा यह है कि आज से निम्न आय वर्ग के किसानों के साथ साथ मध्यम आय वर्ग के नागरिकों का लगान अवश्य दुगना कर रहा होगा। बोलने तो दीजिए। पूर्णतः क्षमा कर दिया जाएगा। जिस राज्य के नागरिक ही सुखी नहीं होंगे, वो राज्य भला कैसे सुखी रह सकता है। महाराज कई काला की, महाराज कई काला की, महाराज कई काला की, महाराज कई काला की। प्रजा में हाहाकार के स्थान पर कैकाला की जय जयकार हो रही है। अवश्य लगान माफ करके उससे भी बड़ा कोई कर लगाने वाला है ये। शांत हो जाइए, कृपया कृपया सब शांत हो जाइए। क्षमा करें महाराज, हृदय में एक प्रश्न उठ रहा है, यदि आप अनुमति दें तो पूछूं? अनुमति है, पूछिए। धन्यवाद। कहीं आप किसानों का लगान माफ करके कोई और कर तो नहीं लगाने वाले उन पर? दिल मिला गया है, अवश्य इसकी यही योजना है। एक कंधे से भार उठाकर दूसरे कंधे पर डाल देना, इसका क्या अर्थ होगा पंडित रामकृष्ण? ये तो अनैतिक होगा ना। विजयनगर के महाराज बनने के पश्चात हम ऐसा कार्य तो क्या कोई भी अनैतिक कार्य ना करेंगे और ना करने देंगे, क्योंकि हम विजयनगर की प्रजा के राजा बनकर नहीं अपितु सेवक बनकर सेवा करना चाहते हैं। महाराज कई काला की, महाराज कई काला की, महाराज कई काला की, महाराज कई काला की। महारानी, हमें देखकर बहुत खुशी हो रही है कि विजयनगर की प्रजा ने नए महाराज का अच्छे से स्वागत किया है, और हमें पूरा भरोसा है कि कैकाला जी अपनी जिम्मेदारी अच्छे से निभाएंगे। अंत में हमारी आप सभी से बस यही प्रार्थना है कि आप सब इकट्ठा होकर, एकजुट होकर हमारा साथ दें, ताकि हम विजयनगर को संसार की एक श्रेष्ठ नगरी, सबसे अभूतपूर्व नगरी बना सकें। धन्यवाद। महाराज कई काला की, महाराज कई काला की, महाराज कई काला की, महाराज कई काला की। वाह 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 वाह, क्या बात है। हमने कैकाला को कितना गलत समझा। हाँ, भले ही कैकाला ने अनुचित कार्य किए हैं, परंतु आज तो सभी नैतिक कार्य कर रहा है। कभी कभी हम किसी को समझने में भूल कर जाते हैं। अब देखिए ना, जिसे हम राक्षस समझ रहे थे वो रक्षक निकला, जिसे हम विजयनगर का द्वेषी मान रहे थे वो हितैषी निकला। क्यों पंडित रामकृष्ण? भूल आपसे अब भी हो रही है गुरुवर। सागर का पूरा जल सोख सकता है, सूर्य की अग्नि बुझ सकती है, किंतु ये कैकाला विजयनगर का हितैषी कभी नहीं बन सकता। आप शांत रहिए, शांत रहिए आप। अरे, जो मन में मान लिया मान लिया, ये भी कोई बात हुई? और सुन लीजिए, आपने जीवन में उतने सावन नहीं देखे होंगे जितने बसंत हम देख चुके हैं। अनुभव में कई गुना अधिक श्रेष्ठ हैं हम आपसे। हाँ, और उसी अनुभव के आधार पर कह रहे हैं कि हमने और आपने भी महाराज के काला जी को गलत समझा। वाह गुरुवर वाह, सहसा आपके सुर ही बदल गए। अब तक जिसे कोस रहे थे, अब अचानक उसे पोस रहे हैं। क्योंकि हम समझ चुके हैं कि यदि ये कुटिल
और कलुषित व्यक्ति होते तो महाराज बनते ही किसानों का लगान माफ नहीं करते। सुना था आपने? सुना था क्या कहा था उन्होंने? हम महाराज नहीं हैं, हम तो प्रजा के सेवक हैं। अरे कितने उच्च विचार हैं। हमें व्यक्ति को उसके अतीत के कर्मों से नहीं वर्तमान के कर्मों से तोड़ना चाहिए। अब सुनिए, विजयनगर को उसका एक भला और नेक राजा मिल गया है, अतः आप अपनी जीवा को बंद रखिए और नए महाराज का सहयोग कीजिए। समझे या नहीं समझे, या पुनः समझाएं? हैं? वाह दाता वाह, आप भी कैकाला के जाल में फंसे गए, किंतु आप समझ नहीं रहे हैं कि ये उसकी कोई बहुत बड़ी योजना है। किंतु क्या है वो योजना? ये मिष्ठान ले लेना, ये फल भी डाल लेना, और हाँ हमारे रेशम के वस्त्र वो भी लेने हैं, और हाँ ये सोने के आभूषण तो अवश्य साथ में जाएंगे। और एक बात सैनिकों, एक बहुत बड़ी टुकड़ी हमारे साथ में जाएगी हमारी सुरक्षा के लिए, ठीक है? महाराज ये सब क्या है? सब? अरे ये तो सीमित सा सामान है जो हम लेकर जा रहे हैं अपने साथ। सैनिको, महाराज ये सब आप अपने साथ क्यों ले जा रहे हैं? अरे ये सब सामान हम अगर अपने साथ में नहीं लेकर जाएंगे तो हम जिएंगे कैसे? ये शाही पलंग, मखमल के बिछौने, ये रेशम के वस्त्र, साज सज्जा का सामान, अगर ये नहीं लेकर जाएंगे तो कैसे जिएंगे हम? हम तो यहाँ तक सोच रहे हैं कि संगीत वादक को भी अपने साथ में लेकर जाएं, जो हमारा मनोरंजन करेगा। अब आप स्वयं सोच के देखिए, जब तक हम मधुर संगीत नहीं सुनेंगे हम सुबह नींद से उठेंगे कैसे? महाराज आप वहाँ मनोरंजन के लिए नहीं जा रहे, आप पश्चाताप करने जा रहे। सोचिए यदि विजयनगर की प्रजा को ये सब पता चल गया तो वो आपके बारे में क्या विचार करेंगे? प्रणाम महाराज। प्रणाम महारानी, ये सारी वस्तुएं आप कहीं जा रहे हैं? महाराज पश्चाताप करने हेतु महल का त्याग करके जा रहे हैं। महाराज किंतु आपको महल त्याग कर जाने की क्या आवश्यकता है? आप कैसी बातें कर रहे हैं? ये महल, राजकीय सुविधाएं, भोग विलास का त्याग नहीं करेंगे तो पश्चाताप कैसे करेंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने महारानी। आज से महाराज वन में निवास करेंगे। वन में? वन में तो महाराज के प्राणों को और भी संकट है। महाराज भले ही आपने राजगद्दी का त्याग कर दिया हो किंतु आपके प्राण हम सबके लिए और संपूर्ण विजयनगर के लिए अति मूल्यवान है, और वहाँ वन में तो आपके प्राणों को अधिक संकट रहेगा, और वहाँ आपकी रक्षा करने के लिए नवनियुक्त महाराज कैकाला भी नहीं होंगे। ये तो आप बिल्कुल उचित कह रहे हैं। तो पंडित रामकृष्ण जी आप ही बताइए हमें क्या करना चाहिए। महाराज आपको यही महल में रहते हुए ही अपना पश्चाताप पूर्ण करना चाहिए। ये क्या पट्टी पढ़ा रहा है महाराज को, कहीं महाराज इसकी बातों में ना आ जाए। तो फिर ठीक है, ये तय रहा कि हम यहाँ राजमहल में रहकर ही पश्चाताप करेंगे, है महारानी? कदापि नहीं महाराज। आप महल में नहीं रह सकते। क्यों? महाराज आपने स्वयं प्रजा के समक्ष कहा है कि आप राजमहल और राजगद्दी छोड़कर गुप्त रूप से विजयनगर में विचरण करेंगे। अब यदि आप राजमहल में रहते हैं तो प्रजा में आक्रोश हो सकता है, आपके मान सम्मान को हानि हो सकती है महाराज। महामात्य आप उचित कह रहे हैं। क्षमा करें महाराज, महाराज आप उचित कह रहे हैं किंतु महाराज पर प्राणघातक हमले हुए हैं, और यदि ये कहीं अधिक सुरक्षित हैं तो वो महल हो या वन, वहाँ आपका उपस्थित होना आवश्यक है। हमें चक्रव्यूह में फंसा रहा है, अब हम इसे ऐसे चक्रव्यूह में फंसाएंगे कि कभी बाहर ही नहीं निकल पाएगा। आप सही कह रहे हैं पंडित रामकृष्ण, हम आपकी बात से सहमत हैं, किंतु महल में तो महाराज नहीं रह सकते, क्योंकि प्रजा में आक्रोश होगा और प्रजा कहेगी कि यदि राजमहल में ही महाराज को रहना था
को नया राजा नियुक्त करने की आवश्यकता क्या थी? यदि हम महल में नहीं रहेंगे तो क्या जाकर वन में रहेंगे? नहीं नहीं महाराज, हम इनकी बात से पूर्णतया सहमत हैं। इसी कारणवश हमने एक मध्यम मार्ग सोचा है। मध्यम मार्ग? मध्यम मार्ग किस लिए? नहीं, आपने सोचा है तो उचित ही होगा। महाराज, क्यों ना आप पंडित रामकृष्णा के निवास स्थान पर निवास करें। इससे दो बातें होंगी महाराज, एक तो आप महाज्ञानी महाविद्वान प्रकांड पंडित पंडित रामकृष्णा जैसे बुद्धिमान व्यक्ति के संरक्षण में रहेंगे, और दो, आपकी सुरक्षा हेतु साधारण वस्त्रों में हम सैनिक वहां तैनात कर सकते हैं। हाँ 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 हाँ, उचित विचार है। और पंडित रामकृष्णा तो विश्वास पात्र भी। मेरे निवास स्थान पर? किंतु वो भास्कर, वो भी तो वहां होगा। वो तेरी ये कहाँ फंसा दिया इस कैकाला ने, इसने तो पासा ही उल्टा फेंक दिया। यदि महाराज मेरे निवास पर रहेंगे तो भास्कर और पंडित रामकृष्णा एक ही हैं, ये रहस्य खुल जाएगा। ये क्या विचार कर रहे हैं पंडित रामकृष्णा? अरे भाई, जिस मनुष्य के निवास पर महाराज निवास करेंगे वो मनुष्य संसार का सबसे भाग्यशाली मनुष्य होगा। किंतु मैं ठहरा मध्यम वर्गीय ब्राह्मण, मैं महाराज के लिए वो सुख सुविधाओं वाली वस्तुएं कहाँ से ला पाऊंगा जिनके ये अधिकारी हैं, है ना महाराज? पंडित रामकृष्णा, आप भूल रहे हैं। भूतपूर्व महाराज सुख सुविधाओं का भोग करने नहीं, अपितु पश्चाताप हेतु आ रहे हैं, और पश्चाताप करने के लिए आपका जो निवास है वो सर्वोत्तम है। स्मरण है आपको, आपके निवास पर महाराज श्री कृष्णदेव राय भी रह चुके हैं, है ना, है ना? क्या? हाँ, हम आप दोनों की बात से सहमत हैं। पंडित रामकृष्णा, यदि आपके घर पर महाराज कृष्णदेव राय रह सकते हैं तो हम क्यों नहीं रह सकते? ये तो हमारे लिए सम्मान की बात होगी। किंतु महाराज, इस बात को गुप्त रखा जाएगा कि महाराज और महारानी आपके निवास स्थान पर निवास कर रहे हैं। बल से महाराज के प्राणों को जो सुरक्षा ना मिल सकी वो आपकी बुद्धिमता से मिल सकेगी। क्यों महाराज, समझे कि नहीं समझे? समझ गए, हम तो अच्छी तरह से समझ गए। पंडित रामकृष्णा जी, तो फिर ये तय रहा, हम महारानी और हमारा पुत्र स्वामी आपके घर पे निवास करेंगे। भी साधारण व्यक्तियों की तरह किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। महाराज को मेरे निवास पे रुकवाने के पीछे अवश्य कैकाला की कोई ना कोई बड़ी चाल है। की एक एक वस्तु ये इत्र की खुशबू इस कक्ष में आती हवाएं, ये वायु हर एक चीज पर मेरा अधिकार है। इस कक्ष में आज तक जहां हम स्वयं सर झुका के खड़े होते थे, परंतु अब सारा विजयनगर हमारे सम्मुख सर झुका के खड़ा होगा। स्वप्न जो हमारी पलकों पर जीवित थे
आज साकार हो गए हैं। बाला, अभी तो हमारी तलवार ने केवल तेरी तस्वीर पे वार किया है, किंतु इसकी प्यास अभी बुझी नहीं है।